नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट उत्तर प्रदेश न्यूज चैनल। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी अमूल्य राय जरूर दें। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। जय हिंद साथियों, आज हमारे भाई ये सभी बैठे हुए हैं जो कि आज योगी जी के मंदिर पर मठ पर आए और पुजारी जी से बात हुई, जिसमें कि हमारे शंख वाले बाबा ने बहुत कुछ उन लोगों से वार्तालाप की और सभी साथियों ने अलग अलग वार्तालाप की है और उचित जवाब दिया है, जो कि इनकी वाणी द्वारा शंख नाद करके हुए इन्होंने अपनी वाणी को अवगत कराया है। सभी भाई बड़ा गौर से सुने। इस समय रेलवे स्टेशन गोरखपुर पर हम सभी भाई बंधु खड़े हुए हैं। ध्यान दें भाई लोग, सुनिए। अरे ऐसा है कि हम आए हैं कि हम देवरिया जनपद से 75 जनपद के 18 मंडल के लोग शंख वाले बाबा के नाम से हम विख्यात हैं और उसके बाद 1338 जवानों का अंडरेज का करके बैठा दिया गया। पिछला साल 11 महीना बैठाया गया, इस बार 8 महीना हो गया बैठा दिया गया। आज भी हम लोग ज्ञापन दिए हैं जिसमें माता राम प्रसाद ने मठाधीश तिवारी जी को दिए है ज्ञापन, वार्ता हुई है, उसके बाद से हमने दिया है, धनंजय सिंह हैं उनको मैंने दिया हूँ, माता राम ने द्वारका तिवारी मठाधीश हैं उनको दिए हैं, तो लखनऊ से भी फोन आ गया है इनके मोबाइल पर माता राम प्रसाद के, एसी मिश्रा भी है, ढेर साथी है, फिरोजाबाद के भी है। हम चाह रहे हैं कि भाई कि जवानों का 1338 जवानों का जल्द से जल्द वापस लिया जाए, न्याय दिलाया जाए। न नोटिस दिया गया, न कागज कोई दिया गया, उसी तरह से आजाद शत्रुशाही मनमानी ढंग से आज लगा देते हैं, गुड्डी गुड्डा का खेल बना चुके हैं। अधिकारी क्यों भर्ती किया? अधिकारी तो नाबालिग नहीं था, जवान तो बरियाई से नहीं, अंडरेज में किसी का एक महीना कम है, किसी का दो महीना कम है, किसी का छः महीना कम है, क्यों ऐसा अधिकारी किया? अधिकारियों पर तो कार्रवाई होना चाहिए, उन अधिकारियों का जांच किया जाए। जांच करते हुए मैं यही चाहूँगा कि योगी जी से निवेदन है कि भाई कि योगी जी निवेदन एवं प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि आपके राज्य में सबको सबका साथ सबका विकास यही है कि 1338 जवान अंडरेज में बैठा दिया गया और उसके बाद से 5000 उनके साथ परिवार हैं, 5000 परिवार भुखमरी कगार पर आ गए हैं। मैं यही चाहता हूं, जय हिंद जय भारत शंख आवाज़ मोदी जी योगी जी के लग गया। मैं बीजेपी का सक्रिय मैं कार्यकर्ता हूं, जवानों के लिए मैं शहीद होने के लिए मैं तैयार हुआ, जवानों का मैं साथ दूंगा और जब तक सांस रहेगा तब तक जवानों का मैं साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं न्याय दिला करके ही रहूंगा। आज कार्य हो गया है, माता राम के मोबाइल पर फोन आ गया है लखनऊ से, हमारे मोबाइल पर भी आ गया माता राम प्रसाद के, अब भारत भूषण छुछिया फायर करते हैं। अब शंख का आवाज़, जय हिंद जय भारत।